हाय दोस्तों, देखिए आज हमने मंगाए हैं वॉलपेपर। ये लगेंगे हमारे पापा और मम्मी जी के बेडरूम में, जिसकी हमने शुरुआत थोड़ी कर भी दी है। ये हमने ये लगा दिया है दीवार पर, ये आप देख सकते हैं, इसका ये डिज़ाइन है। और इसके रोल होते हैं, कहीं हमारे पास 7 रोल हैं, और 7 रोल में ये पूरी दीवार जो आपको दिख रही है पूरी दीवार पर लग जाएगा, और बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। जब ये पूरा हो जाएगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। दोस्तों देखिए, पहले जब हमारी दीवार ऐसी हुआ करती थी, अब धीरे धीरे करके ऐसी होती जा रही है। ये कारनामा कर रहे हैं हमारे पिताजी, और साथ में हमारी वाइफ भी हेल्प कर रही हैं। इसमें क्या होता है, आपकी ये लेयर आती है वॉलपेपर की, जिसमें से हम 3 लगा चुके हैं और ये चौथी लगाने की तैयारी है। ये देखिए दोस्तों, ये लेयर होती है इतनी इतनी इंच की। ये कुल मिला के 8 लेयर लगेंगी, जिसमें ये चौथी लग रही है और 4 और बाकी हैं, और ये हमारी इस अलमारी तक पहुंच जाएगी। इसमें थोड़ा हाथ भी लगाना पड़ता है ताकि वॉलपेपर टेढ़ा ना लग जाए। अब तो कर इसको देख, कहाँ कराएगी अपने हिसाब से सेट करें। ये देखिए, इसमें पत्तियों से पत्तियाँ मिलानी पड़ती हैं ताकि थोड़ा अजीब भी ना लगे। जैसे कि आपको यहाँ पता ही नहीं लग रहा होगा कि 3 लेयर हैं अलग अलग। देखो दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है ये। आया सही करा था ना, जाना चाहिए नहीं चाहिए। ये देखिए दोस्तों, धीरे धीरे ऐसे ही लगता है। ये स्टिकी वॉलपेपर है, मतलब ये जैसे आपके स्टिकर होते हैं ना, स्टिकर बिल्कुल वैसे ही होते हैं। स्टिकर की तरह नीचे से उतारते रहो और ऊपर से नीचे की तरफ इसे अच्छे से लगाते रहो, जैसे कि पापा लगा रहे हैं हमारे। ये देखिए, बस ऐसे करते रहो, कुछ नहीं करना है इसमें, ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है ना। अगर आप भी लगाना चाहो दोस्तों अपने घर पे, तो ये फ्लिपकार्ट पे मिलते हैं, बहुत सही रेट में मिल जाते हैं। ये पूरी दीवार का, ये सामने वाली दीवार के लिए हमें कितने पड़े हैं पापा? 2000 में? 2000 में पड़े हैं। और अपने आप लगाओगे तो 2000 में ही पड़ेंगे आपको, किसी और से लगवाओगे तो वो बहुत पैसे ले जाएगा। तो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कैसे लगते हैं। देखिए दोस्तों, ये इतना काम हो चुका है, कितना मस्त व्यू लग रहा है ना दोस्तों। बस अब तो थोड़ा ही रह चुका है काम, जब पूरा हो जाएगा मैं आपको बता दूंगा। यहाँ बस थोड़ी सी दीवार बची है हमारी। आप भी बताना दोस्तों कैसा लग रहा है हमारा वॉलपेपर। पापा और पारुल बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर मैंने भी किया दोस्तों, क्योंकि मैं इसलिए वीडियो नहीं बनाई, 2 वॉलपेपर मैंने ही अकेले ने चिपकाए हैं। हाँ कभी सोचो कि बस मैं वीडियो बना रहा, मैंने भी काम करवाया, और अकेले नहीं तो दो दो बंदे लगे हुए हैं, मैंने अकेले ने कराया दोस्तों, यकीन मानिए। किसी ने ने उन्हें मेरी वीडियो भी नहीं बनाई, मैं सबूत क्या दूँ दोस्तों आपको। ये देखिए दोस्तों, हमारा वॉलपेपर बिल्कुल रेडी है लगकर। हम सबकी मेहनत से काम पूरा हुआ, और देखिए कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेहनत करेंगे तो अच्छी रंग लाएगी। पापा और पारुल ने ज़्यादा मेहनत करी है, मैंने तो फिर भी सिर्फ 2 रोल लगाए थे, उन्होंने 6 रोल लगाए हैं। अब हम इनको बेड सेट करेंगे। ये बेड हमने उल्टा सीधा किया हुआ है, फिर हमारा काम पूरा हो जाएगा। बट यह कि वॉलपेपर तो हमने पूरा लगा ही दिया है। दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना हमारा वॉलपेपर कैसा लग रहा है आपको। ये लीजिए दोस्तों, हमारा बेड भी बिल्कुल सेट हो चुका है। पहले देखो कैसा था, अब कैसा, और देखिए कितना अच्छा रूम लग रहा है। अब इधर पारुल साफ सफाई करते हुए, बस यहाँ थोड़ा मंदिर का रह गया है, इसे भी अब थोड़ी देर में कर देंगे। और दोस्तों अब हो रही है हमारे मंदिर की सजावट, क्योंकि जब हमने वॉलपेपर लगा रहे थे तो ये थोड़ा हटाना पड़ा। अब पारुल मंदिर को सही सही सजाएगी। सबसे पहले पारुल क्या करेगी, सारी चीज़ें उतार रही है, और थोड़ा सारी मूर्तियों को साफ करेगी। ये मंदिर पहले से
क्योंकि वॉलपेपर लगाना आसान बात नहीं है दोस्तों, कई घंटे लग जाते हैं। हम सुबह 10 बजे लगाना चालू किया था और शाम के 3:30 बज चुके हैं, तो सोचिए आप कितना टाइम लगा है हमें। और फिर ऊपर से बेड की सेटिंग करना, मंदिर की सेटिंग करना, बहुत काम बढ़ गया था। अब बस लास्ट टचअप रह रहा है, हमारे देवी देवताओं को सही किया जा रहा है, मतलब इनको सही से लगाया जा रहा है। देवी देवता तो होते ही सही हैं। ये पारुल चुन्नी लगा रही है लक्ष्मी माता गणेश जी को और माला पहना रही है। देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं हमारी माताएं, सरस्वती माता, लक्ष्मी माता और गणेश जी। और अब हमारे शिव जी महाराज की सफाई हो रही है, अब इनको भी माला पहनाई जाएगी। और चुन्नी भी, शिव जी महाराज को भी चुन्नी, पार्वती भी तो है। अच्छा पार्वती जी को चुन्नी, सही है। ये यहाँ पर लगा रही है पारुल कोने में। यहाँ पर हमारे शिव जी विराजमान हो चुके हैं, शिव जी, पार्वती माँ और गणेश जी। और ये जी शेरावाली माता, शेरावाली माता तेरी सदाई जय, बोलो जयकारा शेरावाली दा, बोलो साचे दरबार की। इतनी जोर से जय, नहीं जोर से जय, बोलो साचे दरबार की। ये इसकी तो पहली हवा निकली है, बढ़िया दोस्तों, इस पे नहीं बोला जा रहा, चुप हो जाओ। तो इनके ऊपर भी हमने माला चढ़ा दी है शेरावाली माता जी के। देखो कितना अच्छा लग रहा है मंदिर। और हमारे श्री कृष्ण जी और राधा महारानी राधे 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 बरसाने वाली राधे, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, गोरी गोरी राधिका के नैन कजरारे, काले नैन वाली ने हो, काले नैन वाली ने ऐसा जादू डाला इसीलिए काला। कैसा लगा दोस्तों मेरा भजन, प्लीज कमेंट करके बताना। तो मंदिर सज चुका है अच्छे से, ये देखिए पारुल थोड़ा पीछे हो ना, ये देखिए पापा ने बताया कि सुरताल से नहीं गा रहा, तो दोस्तों आप बताना कि सुरताल थी या नहीं थी, क्योंकि मैंने मन से गाया है ये भजन और मेरे पापा जी भी सुना सकते हैं, बट कहना आसान है गाना मुश्किल है। तो कल फिर मिलते हैं दोस्तों, आज का व्लॉग आपको मेरा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और जिस किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। तो कल फिर मिलते हैं दोस्तों, टाटा बाय बाय सायनारा।